जिले में पुलिसिंग की व्यवस्था कैसी हो ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस जिले का कप्तान कैसा है। और ये साबित कर दिखाया है पलामू एसपी ने, जब सड़क पर दुकान लगाने वालों से एसपी होने का रौब झाड़ने के बजाय बेहद शालीनता और अदब से बात की, उनकी परेशानी को समझने का प्रयास किया और बिना उनकी रोजी रोटी को प्रभावित किए निदान भी निकाल दिया। मेदिनीनगर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने पलामू के नए एसपी सड़क पर उतरे। जब कप्तान ही सड़क पर पैदल निकल पड़े तो पूरी सेना तो साथ होगी ही, आगे आगे एसपी चंदन सिन्हा और उनके पीछे पूरी पुलिस फौज। करीब दो घंटे तक पूरे बाजार का निरीक्षण करने के बाद पलामू एसपी ने कई निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान ही छमुहान चौक पर ऑटो वालों से वसूली करने वाले दो लोगों को पलामू एसपी ने पकड़ा। वहीं एक नाबालिग भी उनके साथ शामिल था। दोनों युवकों को तत्काल जेल भेज दिया गया और जिले में किसी तरह की वसूली नहीं होने का पलामू एसपी ने संकेत दिया। ये पता चला कि कोई स्टैंड है जी, उस स्टैंड पे लोग पैदा हो गए। हमने आज कहा था कि वही स्टैंड पे कोई वसूली नहीं और जो करेंगे उनके साथ बहुत ही कड़ी कार्रवाई के तहत। दो को जो हम लोग जानते हैं, लोग पहले से भी जो है चिन्हित हैं लोग जी, तो वो दो को हम लोग जो है जेल भेज रहे हैं और एक आदमी जो छोटा बच्चा है उसके अभी पेरेंट्स को बुलवाए हैं, देखते हैं उस पर कार्रवाई डिसाइड की जाए। बाजार क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान नगर निगम के कर्मी को भी पलामू एसपी ने कई दिशा निर्देश दिए। मेदिनीनगर मुख्य बाजार में सड़कों के दोनों तरफ पेंट से लाइन खींचा जाएगा। लाइन की एक तरफ बाइक पार्क की जाएगी तो सड़क के दूसरे हिस्से में ठेले खोमचे वाले अपना दुकान चला सकेंगे। फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले लोग के लिए भी एक सीमा रेखा खींची जाएगी, उसके अंदर ही उन्हें अपना दुकान चलाना होगा। इसके साथ ही मुख्य बाजार के नो एंट्री वाले इलाके में किसी भी कीमत पर चारपहिया वाहन को जाने नहीं दिया जाएगा। शहर के ऑटो स्टैंड में ड्राइवर और पैसेंजर के अलावे कोई भी एजेंट नहीं रहेंगे और ना ही किसी तरह की पैसे की वसूली की जाएगी। पार्किंग स्थल पर गाड़ी पार्क करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। दो दिनों के बाद सख्ती बरतने के लिए पुलिस बल भी तैनात किए जाएंगे। व्यवसायी संघ के लोगों से भी पलामू एसपी ने ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए मदद की अपील की। और उसमें मेनली चैम्बर कॉमर्स और जो भी दुकानदार यही है, और उनसे हम ये रिक्वेस्ट की है कि जो दुकान से बाहर बोर्ड लगा रहे हैं या दुकान के बाहर अपनी दुकान को बाहर सामान निकाल दे रहे हैं वो अंदर रखें ताकि सड़क की चौड़ाई बढ़े। इसके अलावे हमारा यह प्रस्ताव है कि गरीब को परेशानी हो, क्योंकि जो लोग सब्जी बेच रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, उनके लिए हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ताकि वो लोग बेतरतीब न लगाएँ, उस लाइन के अंदर ही लगाएंगे ताकि उनका भी व्यवसाय चलता रहे और ट्रैफिक की सुविधा लोगों को मिले। इसके अलावा फोर व्हीलर हमने बोला है कि फोर व्हीलर अगर नहीं अलाउड है तो उसको कड़ाई से रिपोर्ट किया जाए, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट करेंगे।